नमस्कार दोस्तों, यात्रा की शुरुआत में हमारा आज का पड़ाव है माता जलपा देवी मंदिर, गांव रामपुर, पंचकुला। यहां माता पिंडी रूप में विराजमान है, तो आइए ले चलते हैं आपको माता के दर्शनों के लिए। दोस्तों, मंदिर तक जाने के लिए खड़ी चढ़ाई है जो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी है। ऊपर मंदिर तक जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप बाई सीढ़ियाँ जा सकते हैं जो रास्ता हमने चुना है, या एक कच्चा रास्ता भी है जिससे कि आप अपने वाहन से भी मंदिर तक जा सकते हैं। हमने सीढ़ियों का रास्ता चुना है क्योंकि यहाँ आसपास का जो देखने वाला एरिया है बहुत ही शांत और मन भावन एरिया है। ये दोस्तों वो कच्चा रास्ता है जिससे आप अपने वाहन से जा सकते हैं या गाड़ी से जा सकते हैं। तो आइए हम सीढ़ियों के रास्ते माता के दर्शन करने चलते हैं। आसपास का एरिया बहुत ही शांत है, मनोहर है, आप देख सकते हैं। और ये वो कच्चा रास्ता है, तो आइए हम चलते हैं सीढ़ियों से। दोस्तों, मंदिर के इतिहास की बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि एक बार प्रजापति दक्ष जी ने महायज्ञ का आयोजन किया था, और उस यज्ञ में उन्होंने माता सती और भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित ना करके उनका अपमान किया था। और उस स्थिति में माता सती ने महायज्ञ के अग्निकुंड में ही आत्मदाह कर लिया था, और माता सती के आत्मदाह के कारण भगवान भोलेनाथ इतने दुखी हुए कि वो माता सती की देह को लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करने लग गए थे। और उस समय सभी देवताओं की विनती पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती की देह के 52 टुकड़े कर दिए थे ताकि भगवान शंकर उस स्थिति से, दुख से बाहर आ सकें। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के वो 52 टुकड़े गिरे, वहाँ वहाँ माता पिंडी रूप में स्वयं प्रकट हुई। और माता जलपा देवी मंदिर के स्थान के बारे में भी यही कहा जाता है कि यहाँ माता सती के जुल्फे अर्थात माता के बाल गिरे थे, तो तब से ही उस मंदिर का नाम माता जलपा देवी पड़ गया है। दोस्तों, माता जलपा देवी मंदिर बहुत ही शक्तिमान मंदिर है। इनकी मान्यता बहुत दूर दूर तक फैली हुई है और लोग यहाँ लगातार माथा टेकने आते रहते हैं। इनके मंदिर से जुड़ी हुई कई कथा कहानियाँ भी हैं, एक कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ऐसा कहा जाता है कि एक बार माता के मंदिर से कुछ चोरों ने दान पात्र चोरी कर लिया था, और माता की कृपा से वो दान पात्र 4-5 दिन बाद ही चोर एक माफ़ी नामा पत्र लिखकर और कुछ उसमें एक्स्ट्रा पैसे डालकर यहाँ वापस रख गए थे। और उस माफ़ी नामा पत्र में लिखा हुआ था कि माता ने हमें 3-4 दिन सोने नहीं दिया और उसकी वजह से वो माफ़ी मांगते हैं जो भी उन्होंने अनैतिक कार्य किया है, और वो स्वयं यहाँ पर दान पात्र छोड़कर चले गए थे। तो माता बहुत ही शक्तिशाली है, पिंडी रूप में यहाँ विराजमान है। मैं सभी देखने वाले दर्शकों से भी विनती करूँगा कि एक बार यहाँ आकर माता के दर्शन ज़रूर करें, और आपकी कोई भी मनोकामना होगी तो माता उसको ज़रूर पूरा करेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जय माता दी। यात्रा की शुरुआत में हमारा आज का पड़ाव है माता जलपा देवी, गांव रामपुर। हम आज माता के दर्शन करने यहाँ आए हैं, और मेरे साथ यहाँ प्रबंधन कमेटी भी विराजमान है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि हमारे इस मंदिर की क्या विशेषता है और कब से मंदिर यहाँ पे स्थापित है, इसका क्या इतिहास है। संपूर्ण जानकारी हम प्रबंधन कमेटी से लेंगे। सबसे पहले तो मैं प्रबंधन कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, मेरे साथ यहाँ भगत राजपाल जी बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और ये पूजा यहाँ पे कब से आरंभ हुई और कैसे सब कुछ चलता आ रहा है। भगत राजपाल जी। हाँ जी भगत जी। भगत तो जय माता दी। तो जो भगत तो यहाँ पे माता रानी की मूर्ति जी हमारे पूर्वजन को मिली थी जी, तो उन्होंने यहाँ पर लाकर स्थापित कर दी जी। तो उस टाइम से इसकी पूजना अर्चना जी हमारी ही टब्बर करता आ रहा जी, शुरू से जी। तो माता रानी शक्ति पीठ है जी, तो जो कोई मन्नत मांगता जी वो पूरी होती है जी। जय माता जी। तो दोस्तों, कमेटी के एक मेंबर जसविंदर सिंह हमारे साथ यहाँ उपस्थित है, इनसे भी हम थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। भगत तो जय माता की। जैसा कि आप मेरे भक्त जनों ने बताया है कि महामाई की इलाका वासियों की बहुत कृपा है, और यहाँ पर हर साल नवरात्रों में महामाई की बहुत कृपा रहती है, दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। तो बारिश की वजह से यहाँ पे रास्ते में, कच्चे रास्ते में थोड़ी दिक्कत रहती है, तो मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगा, जो भी दानी सज्जन हैं एक बार महामाई के दर्शन करने ज़रूर आएँ,
और अपना सहयोग जरूर दें। जय माता की। तो हमारे साथ यहाँ मंदिर कमेटी के सदस्य बैठे हैं रमेश कुमार जी, इनसे जानकारी लेते हैं कि मंदिर के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी रमेश जी। भक्तों जय माता की। जैसा कि हमारे भक्त जी ने बताया कि जो इनके पूर्वज थे, माता रानी को, माता रानी की मूर्ति उनको मिली और माता रानी ने फिर साक्षात्कार उनको बताया कि मेरी मूर्ति की स्थापना इस जगह पर कीजिए। तो इनके पूर्वजों ने जैसे कि माता रानी की आशीर्वाद हुआ उसके हिसाब से इनकी स्थापना यहाँ हुई और यह मूर्ति पिंडी रूप में है और पुस्तों से इसकी सेवा चलती आ रही है। भक्तों के सहयोग से और गांव की सहयोग से यहाँ पर कच्चे रास्ते का निर्माण कराया गया। कमेटी बना के यहाँ पर कच्चे रास्ते का निर्माण कराया गया जिसमें आने वाली जनता को दिक्कत कम हुई और हम सभी से अपील करते हैं कि इस रास्ते को पक्का कराने में कमेटी का सहयोग करें। कोई भी अकेला आदमी इस रास्ते को पक्का नहीं करा सकता। हम सभी से हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं कि हमारे इस रास्ते को पक्का कराएं और ज़रूर माता रानी के दर्शन करें। जय माता की। आज का ये पड़ाव गांव रामपुर का, जो हमारा माता जलफा देवी का शक्ति स्वरूपा का मंदिर है, हम सभी यहाँ आज माता के दर्शन करने आए हैं और सभी से सहयोग की अपील भी करने आए हैं। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के लोग, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग मंदिर के निर्माण कार्य में जितना भी श्रद्धा भाव से जो भी हो सकता है वो मदद करें, रास्ता बनवाने में, भंडारे के लिए, मंदिर के निर्माण कार्य के लिए जिसकी जो श्रद्धा है उस हिसाब से सहयोग करें। चैनल के माध्यम से हमारी यही रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की।